बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ग्वालियर में आज मौजूद और इतने सुंदर, ये कहना चाहिए ये जो प्रांगण है इस तरह का, इतना खूबसूरत शायद मैंने कहीं देखा हो। आपको लाख लाख बधाई है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उससे भी ज्यादा जो सबसे अच्छी चीज है, मैं तमाम जगह घूमता हूं लेकिन इतनी खूबसूरत और इतनी बढ़िया जनता भी कहीं नहीं देखी मैंने। बहुत अच्छा, ज्यादा नजर ना लगे मुझे मालूम है ये ग्वालियर है, और ग्वालियर वो चंबल का इलाका है ये भी मुझे मालूम है, नजर ना लगे बस। बहुत बहुत शुक्रिया, वरना बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पानी मांग गए। लेकिन पता नहीं क्या है आपकी मोहब्बत और आपका खुलूस कि लेकिन बार बार मैं यहां आ जाता हूं, किसी ने मेरी आंखों का चश्मा साफ कर दिया। ये जो ग्वालियर है ये तमाम लोगों के चश्मे साफ कर देता है। मैंने पूछा हुजूर क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कामरा। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश कामरा। ओम प्रकाश जी का कहना है ये चश्मा बार बार ऐसे आ जाता है, वो होता क्या है बार बार हाथ लगता है वो ढीला हो जाता है, तो इन्होंने इसको ठीक कर दिया और बोले ये चश्मा जो है अब आपको साफ भी कर देता हूं कि आपको साफ साफ नजर आएगा। और अगर चश्मे से साफ साफ नजर आने लगे तो फिर कवियों का भी वही काम है, फिर साफ साफ बताना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा कि आप मुसलमानों के लिए कुछ बोलिए। मुसलमानों के लिए नहीं बोलते आप, मैंने कभी ऐसा किया भी नहीं कि मैं हिंदुओं के लिए बोलूं, मुसलमानों के लिए फिर बोलूं, फिर क्रिश्चियन के लिए बोलूं, फिर सिखों के लिए बोलूं, ऐसा नहीं बोलता मैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, मैं जिस सरजमी से हूं, जहां से आता हूं, मैं जिस जगह से आता हूं, जिस सरजमी से आता हूं, उसमें तो सारे रंग मिले हुए, मैं अलग अलग कैसे करूं? मैं इनका रंग, इनके रंग, इनके रंग को कैसे अलग तकसीम कर दूं? है तो एक ही, कैसे तकसीम, कैसे बांट दूं? ये बात हमसे तो नहीं होगा ये। हाँ जी, हाँ जी, रंग एक नहीं है, हिंदुस्तान सतरंगी में भी दा हुआ है। क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी क्या काम करते हैं? प्लम्बरिंग। बड़े बड़ों को पानी पिला दें ये। अंदर आओ, अंदर आ जाओ, मेरी देखो मेरी बात मान जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बस तुरंत अंदर आ जाओ। बोले ये हिंदुस्तान का रंग है जो सतरंगी है, तुम अलग अलग करके देखना चाहो तो देखो, लेकिन मुझसे नहीं होगा। क्या नाम है बाबूजी? सतीश राजौरिया जी। और सर राष्ट्रगान यहाँ बाड़े महाराज बाड़े पे होता है, पिछले 5.5 साल से रेगुलर करा रहा हूँ मैं, ये एक रिकॉर्ड है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। प्लम्बर साहब सबको पानी पिलाते हैं, बिल्कुल सर। आपने पानी पिला दिया जिसने भी वो सवाल किया था मुझसे, और हाथ बुला के बोला मुझसे कि आप मुसलमानों के लिए कुछ बोलिए। मैंने कहा मैं नहीं बोल पाऊंगा हुजूर, अलग अलग नहीं बोल पाऊंगा, पहले मुसलमान फिर हिंदू और उसके बाद सिख फिर क्रिश्चियन, नहीं, रंग ही एक है और तुम तकसीम करके देखो तो देख पाओ तो देखो जी। सतरंग में बताया अपना हिंदुस्तान, हर रंग में बताया हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई पूरा मेरा मान। क्या बात है, प्लम्बर हैं और पूरा ज्ञान दे गए जी। खड़ी हुई है, क्या नाम है आपका? अनन्या पाठक। अनन्या जी क्या कर रही हैं? मैं लॉ कर रही हूँ। लॉ कर रही हैं, कोई सवाल है आपके दिमाग में? मैं कहना चाहती हूँ कि शिक्षा को लेकर इतने घोटाले मध्य प्रदेश में क्यों हो रहे हैं? शिक्षा को लेकर इतने घोटाले मध्य प्रदेश में क्यों हो रहे हैं, बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे जी। बिटिया अनन्या अभी शायद 17-18 साल की है, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस बिटिया को पता नहीं है कि कांग्रेस के समय मैंने 850 घोटाले बताए अभी तक, उनकी पूरी सूची भी दे दूंगा। कांग्रेस घोटाले पे घोटाले करने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के समय एक भी घोटाला नहीं हुआ है, एक भी घोटाला सिद्ध नहीं हुआ है। ये कांग्रेस जो नैरेटिव बनाती है, ये नैरेटिव बनाती है। बाबूजी नमस्ते, बाबूजी नमस्ते। मैं बता दूं ग्वालियर में 6 सीटें हैं, ग्वालियर में 6 सीटें हैं, 4 कांग्रेस के पास पिछले, 2 बीजेपी के पास। और अगर हम ग्वालियर और चंबल की कुल सीटों की बात करें तो लगभग 32 सीटें हैं, और 27 सीटें पिछली बार कांग्रेस के पास थी। लेकिन यह भी एक कहा जाता है ग्वालियर बड़ा गजब का है, सरकार ही चुरा लेता है। मुझे बताया कि यह सवाल ना हो तो फिर बेकार है, ये कैसे होता कि आप सरकार ही चुरा लेते हैं, कहते हैं आप इल्जाम लगाते हैं इन पर, अरे आप संभाल ना पाए घर, तो इसमें क्या दोष है आपका, इनका
देखिए, जब 35-35 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे जाएंगे, जनता का जो वोट है, कितने का जनता का जो कितने का कितने 35-35 करोड़ में, तो भैया एक बात सुनो कान खोल के, क्या काम करते हैं आप, क्या काम करते हैं? अरे बताओ। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ भाई, बिकाऊ माल ना हो कहीं भी, ऐसा चुनो इस बार, टकसाली चुनो। मैं आया इधर से, कोई पूछना चाह रहा था। ना ना ना, ना। पाजी बोलो जल्दी। हाँ जी पाजी बोलो। सर समस्या बीजेपी। क्या नाम है? त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन जी, क्या काम करते हैं? खाली बारदाने की फैक्ट्री है। अच्छा जी, बोलिए पाजी। ये मैडम ने एक सवाल पूछा बीजेपी के नेताओं से, उनने उतार दिया कांग्रेस के ऊपर कि वो ये घोटाले करते थे। पूछा भाई आपसे, उनके घोटाले क्यों गिना रहे हो आप ये बताओ ना, अपना काम बताओ ना, आप उनके घोटाले गिना रहे हो। समस्या आया कि भैया अपना घर तो देख लो। आपने गुप्ता जी एक बार पूछ लिया सवाल, अगले 5 साल इंतजार करो, जल्दी नंबर नहीं आएगा। हाँ जी। हाँ सर जी, मैं ML माहौर। माहौर जी, कहाँ के रहने वाले? मैं यही लगता ग्वालियर का रहने, ग्वालियर का। क्या काम करते हैं? मैं मैन्युफैक्चरर का नाम रेडीमेड। अरे भाई भाई सुनने दो यार, भाई देखो ऐसा हल्ला मचाओगे तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहूंगा अपनी सरकार से कि ये लोग सारी चीजें फ्री दे रहे हैं सबको, किताबें फ्री हैं, और कोई 1500 रुपए फ्री दे रहा है, कोई 1200 रुपए। तो बटोरो झोला लाओ, बटोर बटोर ले जाओ। सुनो सरी, तो ये सारी जनता को, आम आदमी को बटोरने पे ही लगा दिया है, और करोड़ों रुपए पे विधायकों को खरीद रहे हैं, जो जनता बटोरती रहे, इनके लिए रोजगार नहीं रहेगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी सारी, और ये भिखारी बन जाए, इनको बांटते ही। कांग्रेस से पूछा था मैंने, तो बीजेपी का टर्न है जी। ये जो बोल रहे हैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, मालनपुर और बामौर इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ विकसित चल रहा है, और अगर इंडस्ट्रीज को किसी ने बंद किया है तो जेसी मिल, रैन मिल, ग्रेसिव मिल, इन कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने उसको बंद करने का काम किया है, और ये अगर चालू यहाँ उद्योग चालू किए तो भारतीय जनता पार्टी ने किए और लगातार चल रहा है। रुको भाई, रुको भाई। हाँ? मालनपुर इंडस्ट्रीज बंद पड़ा, 2 लाख रोजगार कहाँ है सरकार के पास? 2 लाख रोजगार जी, आम आदमी पार्टी को बोलने दो। कवि जी आ रहे हैं, कवि को बड़ा संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। मैं आ रहा हूँ जी। हाँ? पहले तो 2-3 राउंड के बाद आपने मौका दिया आम आदमी पार्टी को, उसके लिए धन्यवाद। अरे भाई आप तो करूंगा सर, 2 मिनट हमें देंगे, बिल्कुल देंगे आप, जब तक बोलते रहे तब तक बोलते रहे। भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हमारे मित्र बता रहे थे, जब भ्रष्टाचार पर बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहा हो। मतलब वो पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना के ताबूत की दलाली करते ऑन कैमरा पकड़ा गया हो, जिस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अभिभावकों का, युवाओं का भविष्य व्यापम जैसा पटवारी घोटाला किया हो, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री का मंत्रालय, जो बाल विकास मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, उस पर गरीब बच्चों का, कमजोर बच्चों को, कुपोषित बच्चों का पोषण आहार घोटाला करने का ऑडिट जर्नल की रिपोर्ट हो, और 200 करोड़ का मात्र 6 जिलों में उन्होंने घोटाला पकड़ा और जांच के लिए सिफारिश करी, वो जांच नहीं कराई गई, जिस पार्टी का केंद्रीय मंत्री। मैं आया टाइम है, वेरी क्विक रिस्पॉन्ड। आम आदमी पार्टी कह रही है आपका करप्शन है। देखो भैया, भ्रष्टाचार पर वो बात कर रहे हैं जिनके मंत्री, जिनके उप मुख्यमंत्री, जिनके सभी जेल में, और जिनमें करोड़ों के पर्दे लेने वाले, आम आदमी की बात करने वाले, जिनके दिल्ली के सभी मंत्री जेल में हैं, वो भ्रष्टाचार पर उपदेश कर रहे हैं। देखो, क्या नाम है आपका? शकील मोहम्मद। शकील मोहम्मद, अरे कहाँ रह गए थे शकील इतनी देर से आए? अरे जी बोलना चाह रहे हैं साहब, जनता परेशान है। जनता परेशान है। शकील भाई कह रहे हैं जनता, रुको भाई, पहले शकील भाई का सवाल होगा, उसके बाद शकील भाई क्या कह रहे हैं? जी जो डीबीए का कट्टा 500 रुपए का था, जो आज 1500 रुपए का, 2000 का कट्टा बिच रहा है बाजार के अंदर। कौन सा? डीबी का, डीबी खाद। हाँ खाद, डीबी का खाद। और जो नोटबंदी हुई थी, जो परेशान हाल थे लोग, तो धक्का खा रहे थे बुजुर्गों को उठा उठा के लेन में, जो खाद के कट्टे में जो लगे थे लेन में, उनको धक्का मार रहे थे, लठियां बज रहे थे, तो क्यों बोलते हैं उनकी जनता परेशानी थी ना। शकील भाई कह रहे हैं कि जो सर जिस पार्टी का केंद्रीय मंत्री, इसमें ना, लो जी, मैं आ रहा। हाँ जी बोलिए। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भी जेल जाने वाले हैं। आप विवेचना अधिकारी मत बनिए,
भले आप विवेचना अधिकारी मत बोलिए, जो होगा वो देखेंगे, पर आप विवेचना अधिकारी ना बन जाइए। जी जवान के लिए ओल्ड पेंशन क्यों लागू नहीं हो रही? विधायक एक दिन का बनता है उसको ओल्ड पेंशन लागू होती है, क्यों ये मतभेद क्यों है? एक जवान बॉर्डर पर सिपाही गोली खाता है, इनको एक दिन का बोलते हैं, वो बोलते हैं रेवड़ी बांटेंगे, क्या है? आदमी 60 साल के बाद उसको ओल्ड पेंशन नहीं है, इनको दो दिन शपथ लेने के बाद भी ओल्ड पेंशन लागू। ये वो इलाका है जिससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में लोग काम करने जाते हैं मजदूरी के लिए, और बहुत अधिसंख्य लोग जो हैं आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी जाते हैं। यहाँ पे बड़ा इसको बात फक्र की बात कही जाती है, ये इलाका वो इलाका है। और ओल्ड पेंशन का ये सवाल तीसरी बार पूछा गया, दो बार इस शो में और एक बार मैं दिन में घूम रहा था वहां। जी बाबूजी नमस्ते, अरे कहाँ रह गए थे आप, बहुत देर से आए? मेरा सर आपसे एक सवाल है। मेरे से? अरे हे, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, ये ऐसा लफ्ज क्यों बोलते हैं जो कि सभी देवी देवताओं को हिंदुओं के ऊपर ही बोलते हैं, और समाज के ऊपर क्यों नहीं बोलते? स्वामी प्रसाद मौर्य? हाँ जी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी है, और ये ऐसा क्यों बोलते हैं? जो और भी नेता हैं उनके, ये बाहर के मंत्री हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि सवाल आपने पूछा, अब मैं जवाब दूं इसका जरूरी तो नहीं लगता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, किसी को किसी की आस्था पे ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। किसी को ठेस पहुंचाने का अधिकार बाबूजी किसी को नहीं है। कोई किसी के आस्था को ठेस पहुंचाए वो बिल्कुल गलत है। जी बोलिए, क्या नाम? दो क्वेश्चन करूंगा, रवि राखे। एक आम आदमी के सवाल, आम आदमी पार्टी के नेता से कह रहा है कि वो भ्रष्टाचार के बारे में ग्वालियर के मंत्री को बता रहे, पहले अरविंद केजरीवाल का तो बताए कि अरविंद केजरीवाल का जन्म ईमानदारी की कोख से हुआ था, सबसे बड़ा भ्रष्ट है अरविंद केजरीवाल। दूसरा सवाल मैं कांग्रेस के पूछ रहा हूँ कि 25 वकील क्यों लगाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम को के जन्म के प्रमाण पत्र के लिए? क्या राम मंदिर आ ही गया, मुद्दा आ ही गया, मैं आया जी। बाईस तारीख को चलने हैं आप? देखिए, मैं जहां तक अपनी व्यक्तिगत बात करूं, जब शिला पूजन हुआ था, सुनिए मेरी बात, जब शिला पूजन हुआ था दान मैंने भी दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से प्रभावित है हमारे मित्र, कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, पूरे विश्व को मालूम, पूरे हिंदुस्तान को मालूम। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है ना, यही बीजेपी के लिए ताला तो हमने खुलवाया है। प्रतीक जी, ये कांग्रेस के वो ही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़वाने का षड्यंत्र रच रहे थे, जो अमरनाथ साइन बोर्ड की यात्रा रुकवाना चाह रहे थे, जो राम के अस्तित्व को निकाल रहे थे 500 वर्ष तक। हाँ भैया, आप जिस विधानसभा खड़े हैं, यहाँ का विधायक बिका नहीं है, नहीं तो यहाँ के विधायक 60-60 करोड़ रुपए में बिके हुए हैं। कितने? 60-60 करोड़ करोड़ में कितने वो जीरो होते हैं? कितना? अरे बता दो। अरे वही बता दूंगा। हमारे ये